भारत तक अब नए अंदाज में। सीवीएस बिपिन रावत के हेलीकॉप्टर क्रैश का एक वीडियो न्यूज एजेंसी एएनआई ने स्थानीय लोगों के हवाले से जारी किया है। इन तस्वीरों में दिखाई दे रहा है कि कैसे एक हेलीकॉप्टर हवा में ऊपर नीचे होता है और फिर वो बादलों में खो जाता है। वीडियो रिकॉर्ड करने वाले लोग कुछ समझ पाते तब तक 13वें सेकंड पर वीडियो के एक जोरदार धमाका होता है। वीडियो में दिख रहे लोगों के चेहरे से हवाइयां उड़ जाती हैं। भारत तक इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता है, लेकिन सोशल मीडिया से लेकर हर जगह तक ये उसी हादसे का वीडियो बताया जा रहा है। इसमें दिख रहा है कि हेलीकॉप्टर अचानक से बादलों में खोता है और फिर चंद सेकंड्स के अंदर एक जोरदार धमाके की आवाज आती है। यह हादसा कैसे हुआ है, इसकी कोई सटीक जानकारी किसी के पास नहीं है। दुर्घटनाग्रस्त हुए MI-17V5 हेलीकॉप्टर के ब्लैक बॉक्स और फ्लाइंग डेटा रिकॉर्डर को बरामद किया गया है। इससे पहले जांच की टीम ने तलाशी का दायरा बढ़ाया था। ऐसे में आखिरी ब्लैक बॉक्स में क्या है, उसमें क्या राज छिपे हुए हैं, ब्लैक बॉक्स हेलीकॉप्टर की अंतिम उड़ान स्थिति और दूसरे पहलुओं के बारे में डेटा बता सकता है। भले ही इसे ब्लैक बॉक्स कहा जाता है, लेकिन उड़ान डेटा रिकॉर्डर को चमकीले नारंगी रंग में रंगा जाता है और ये उड़ान डेटा और कॉकपिट की एक्टिविटी को रिकॉर्ड करता है। ऐसे में इसकी जांच से सच्चाई देश के सामने आएगी। इससे पहले देश को इस हादसे की जानकारी देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने संसद से दी थी। आज मैं बड़े दुख और भारी मन से 8 दिसंबर 2021 की दोपहर में हुई मिलिट्री हेलीकॉप्टर जिसमें भारत के प्रथम चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत, उनकी धर्मपत्नी एवं 12 अन्य सवार थे, की दुर्घटना के दुर्भाग्यपूर्ण समाचार से अवगत कराने के लिए आप सबके बीच खड़ा हुआ हूं। जनरल बिपिन रावत डिफेंस सर्विसेज स्टाफ कॉलेज वेलिंगटन के स्टूडेंट ऑफिसर से इंटरेक्ट करने के लिए अपने एक शेड्यूल्ड विजिट पर थे। एयरफोर्स के MI-17V5 हेलीकॉप्टर ने कल 11:48 पर सुलूर एयरबेस से अपनी उड़ान भरी, जिसे 12:15 पर वेलिंगटन में लैंड करना था। सुलूर एयरवेज के एयर ट्रैफिक कंट्रोल ने लगभग 12:08 पर हेलीकॉप्टर से अपना कांटेक्ट खो दिया। बाद में कुनूर के पास जंगल में कुछ स्थानीय लोगों ने आग लगी हुई देखी। जब वे भागकर उस स्थान पर पहुंचे तो उन्होंने मिलिट्री हेलीकॉप्टर के अवशेष को आग की लपटों से घिरा हुआ देखा। स्थानीय प्रशासन से एक बचाव दल उस जगह पर पहुंच गया। उन्होंने क्रैश साइट से सर्वाइवर्स को रिकवर करने का भी प्रयास किया। उस अवशेष से जितने भी लोगों को निकाला जा सका उन सबको यथाशीघ्र वेलिंगटन के मिलिट्री हॉस्पिटल पहुंचाया गया। प्राप्त जानकारी के अनुसार उस हेलीकॉप्टर में सवार कुल 14 लोगों में से 13 लोगों की मृत्यु हो गई। जिन लोगों की दुर्भाग्यपूर्ण मौतें हुई उनमें चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ और उनकी धर्मपत्नी श्रीमती मधुलिका रावत, उनके रक्षा सलाहकार ब्रिगेडियर लखविंदर सिंह लिड्डर, स्टाफ ऑफिसर लेफ्टिनेंट कर्नल हरजिंदर सिंह और एयर फोर्स हेलीकॉप्टर क्रू समेत आर्म्ड फोर्सेस के अन्य 9 लोग शामिल हैं। उनके नाम हैं विंग कमांडर पृथ्वी सिंह चौहान, स्क्वाड्रन लीडर कुलदीप सिंह, जूनियर वारंट ऑफिसर राणा प्रताप दास, जूनियर वारंट ऑफिसर अरक्कल प्रदीप, हरविंदर सतपाल राय, नायक गुरसेवक सिंह, नायक जितेंद्र कुमार, लैंस नायक विवेक कुमार, लैंस नायक बी साई तेजा। सभी पार्थिव शरीर को आज शाम तक इंडियन एयरफोर्स प्लेन से दिल्ली लाया जाएगा। ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह वेलिंगटन के मिलिट्री हॉस्पिटल में लाइफ सपोर्ट पर हैं और उन्हें बचाने के हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, एयर चीफ मार्शल श्री वीआर चौधरी को घटनास्थल पर दुर्घटना की सूचना प्राप्त होने पर कल ही भेज दिया गया है। उन्होंने घटनास्थल एवं वेलिंगटन हॉस्पिटल जाकर स्थिति का जायजा लिया। इस दुर्घटना के संबंध में इंडियन एयरफोर्स द्वारा
एयर मार्शल मानवेंद्र सिंह की अध्यक्षता में एक क्राई सर्विस इंक्वायरी के भी आदेश दे दिए गए हैं। इंक्वायरी टीम के ऑफिसर्स ने कल ही वेलिंगटन पहुंचकर अपना कार्य भी प्रारंभ कर दिया है। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ का अंतिम संस्कार फुल मिलिट्री ऑनर्स के साथ किया जाएगा और अन्य सभी मिलिट्री पर्सनल का अंतिम संस्कार भी एप्रोप्रिएट मिलिट्री ऑनर के साथ किया जाएगा। अध्यक्ष महोदय, अंत में मैं देश की ओर से सभी दिवंगत लोगों को हार्दिक श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और उनके परिवारजनों के प्रति अपनी संवेदना भी व्यक्त करता हूं।